आप सबको नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम आए हैं राम सेतु पुल देखने, जो हम लोग घर के पास में है। वो ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट राम सेतु पुल है। तो आप लोग चलिए दिखाते हैं राम सेतु का पुल। आज ठंडे का दिन है, आज हमको छुट्टी मिला है। तो शाम का 5 बज रहा है और छोटा छोटा बिल्लू जो होता है, जो जिसका जीवन एक ही दिन रहता है, वो शरीर पर पड़ जाता है और तुरंत वो मर जाता है। उसका बहुत ही माथा में पड़ गया है, शरीर में पड़ गया, बहुत ही कष्ट हो रहा है वीडियो बनाने में। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे छोटा सा नदी है, छोटा सा बहुत भी बड़ा है, लेकिन अभी पानी नहीं है, बोल के छोटा सा है। जब पानी इसका में बारिश के समय जब बारिश आएगा ना, तो इतना पानी हो जाएगा कि आदमी इसमें डूब जाता है। उसके बाद तो यहाँ सामने बहुत दूर में एक पुल था लकड़ी का, वो धर धर के आता रहा था। हम लोग रस्सी फेंक के वो लकड़ी लेके आते थे। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, छोटा सा देख ले। अब देखिए ये पुल बहुत ही खतरनाक है, पत्थर से बांधा हुआ है, इसका नीचे मोटा मोटा पाइप दिया हुआ है और जाली वाला पाइप है उसका में थोड़ा थोड़ा जाली है, जिसके कारण ये पानी फिल्टर होके, चाहे कितना भी गंदा पानी हो, वो फिल्टर होके उस टंकी में जो आप देख सकते हैं, वो टंकी में जाता है। वो टंकी में कुआँ है, एकदम कितना फुट है ये वाला? हाँ टंकी तो 50 हाँ 50-60 फीट गड्ढा है, जितना बड़ा देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा, जितना बड़ा है उससे भी और गड्ढा है। तो पानी वहाँ सप्लाई होता है, उसके बाद दूर दूर पानी जाता है। ये बहुत ही देख रहे, बहुत ही कीड़ा उड़ रहा है, इसका एक दिन का जीवन है, बहुत परेशान कर रहा है। देख ये मेरा कमीज में भी लग गया है, गंजी में भी लग गया, आपको दिखा सकते हैं, पूरे सादा करके है, आँख में पड़ जा रहा, मुँह में घुस जा रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसेगा वो साला, समझ में नहीं आ रहा। चलिए मछली भी देखते हैं, मछली है कि नहीं। मछली जैसे हम खाते नहीं है, लेकिन मिल जाएगा तो उसको हम उसको गिफ्ट कर देंगे। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका 2 महीना में बेचारा का शादी है, ये भी बेचारा बड़ा खुश है। आप लोग दिखा देंगे इसका शादी का वीडियो, बहुत खुश है अभी ऐसे, ये पूरा हंसी मजाक तो मन में लड्डू फूट रहा, तेरा लड्डू फूट रहा ना। देखिए जो लड्डू शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए पछताए, बोला हम खा के ही पछताएंगे, ये बोला हम खा के पछताएंगे, तो बोले खाओ, बहुत ही खुश है। खास बुरा बिस्तर मिल जाता कुछ बड़ा सा, तो पैसा ही पैसा रखा रहता। ये देखिए वो सामने में है बुरा, तो पीछे चला गया, उसमें नहीं था, पता नहीं उसमें कहाँ मिलेगा। यहाँ पर बैग मिला है, स्टैंडर्ड सा बैग है, दिखाते हैं, पता नहीं इसमें है कि नहीं सोना चांदी, मिल जाएगा तो ये देखिए बैग में होगा, छुएंगे नहीं, पता नहीं कहाँ है, बाद में आएंगे रात को, कोई देखिएगा नहीं, अगर मिल गया सोना चांदी तो रख लेंगे। चलते हैं आगे की ओर, बहुत ही डेंजर रास्ता है। मेरे बेचारे का चप्पल टूट गया, देखिए हाथ में चप्पल ले ले है, चप्पल टूट गया है, चप्पल का पैसा हमको देना पड़ेगा, हम साथ में लेके आए ना, उसका पैसा हमको देना पड़ेगा। आप लोग भी आइए इस जगह, आनंद लीजिए, ठंडा के दिन में जो मज़ा है यहाँ आने में, गर्मी के दिन में शाम के समय यहाँ पर, दिनों शाम में आइएगा, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा हवा चलता है। यहाँ पर अभी शाम हो गया है, देखिए अभी कुछ देर में सब कोई आएगा यहाँ पर, कोई फौजी बनने के लिए, आर्मी में जाने के लिए यहाँ पर दौड़ लगाता है सुबह शाम यहाँ पर बालू पर, ताकि बालू पर जो दौड़ दिया वो आर्मी बन गया। यहाँ से हम लोग कुछ लड़का लोग आर्मी बन गया, पुलिस बन गया, सुबह यहाँ पर दौड़ता था बालू पर खाली पैर, इसके कारण वो कोई BSF है, कोई पुलिस का SI है, कोई आर्मी है, इस तरह करके बन गया। हम लोग नहीं बन पाए क्योंकि हम लोग को सोने का आदत था, जो सोया है खोया, जो जागा वो पाया। बहुत खतरनाक रास्ता है, इसलिए बोलते हैं आप लोग सोइए मत, जो 5 बजे भोर में उठ के नदी में, नदी के सामने हम लोग माठ है, वहाँ जाकर दौड़िए, तो आप लोग कुछ सफलता हासिल करिएगा। देखिए आ गए हम लोग कुआं के पास, उसके नीचे बहुत ही गहरा है, देखिए आँख में पड़ गया कीड़ा, सूरज डूब रहा है, नहीं आता होगा आपको, देखिए सूरज डूब रहा, बहुत ही सुंदर सा है जगह। ये राम सेतु हम लोग का हाथ से बनाया हुआ है, मेरे साथ जो आया है
वो बनाया था। ये छोटा सा राम सेतु है लेकिन तैरने वाला पत्थर नहीं है, ये डूबने वाला पत्थर है। इसको पूरा तार से बांध के पानी में रखा है ताकि ये टेंकी है, हम दिखा देंगे आपको ये टेंकी, देखिए बहुत ही विशाल पत्थर है, ये देखते हैं ये पानी की टेंकी है ताकि इसका नीचे जो है पूरा पाइप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पानी से पानी आपका सप्लाई होता है तो ये पानी का नीचे ही दिया हुआ है, उसके बाद पत्थर दे दिया है, बालू दे दिया है ताकि ये पानी कहीं जाए ना, और सफा पानी जो हम लोग तार से बांधा हुआ है ताकि हम लोग जो पानी पीते हैं वो सफा फिल्टर पानी आए। अगर नदी में पानी बढ़ भी जाए, कचरा भी हो जाए, लेकिन नीचे पानी फिल्टर हो गए तो सप्लाई होता है। तो चलते हैं आगे की ओर, इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा। आप देखिए ये राम सेतु है, ये बारिश के समय में जब नदी का पानी बढ़ जाएगा तो ये डूब जाएगा, और जब बारिश खत्म हो जाएगा, जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये देखिए आपका राम सेतु नज़र आ रहा है। देखिए मछुआरा लोग मछली पकड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा पानी है, ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का पानी है, तो आप लोगों को दिखाते हैं हम जो ब्रिज बना है पानी का टेंकी, वो हम दिखा रहे हैं। रुकिए ये देखिए यही ये टेंकी जो हम लोग घर के पास में है, इससे सप्लाई होता है पानी। तो इसका नीचे पूरा गड्ढा किया हुआ है, कुआँ है, कभी हम आप इसका भी वीडियो दिखा देंगे घूमने का। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही डेंजर रास्ता है, गिर जाने पर मोबाइल फूट जाएगा, हम भी फूट जाएंगे। सामने होली भी है तो होली के दिन इधर आएंगे नहाने के लिए, बहुत ही फ्रेश पानी है। चलिए दिखाते हैं, ये देखिए देखिए वो मछली पकड़ रहा है, आगे को बढ़ते हैं, बहुत ही डेंजर रास्ता है। देखिए पसंद है वो गिर गया, देखिए इसका चप्पल भी टूट गया है, देख रहे चेहरे का चप्पल टूट गया है, शर्मा का भाग गया, टूट गया चप्पल, 5 रुपये का चप्पल है, फिर लगेगा चिपकाएगा। सामने ये देखिए बहुत सामने आ गया है, इसके आगे जाने का रास्ता भी नहीं है, बहुत यहाँ से गहरा पानी है, यहाँ से राम सेतु खत्म हो गया, यहाँ से डूब गया था पुल, तो ये देखिए यहाँ से पुल टूट गया है, उसके बाद बजरंगबली पानी से गया था, उसके बाद हनुमान जी है बजरंगबली तैर के गए थे छोटा सा नाव बना के। ये देखिए यहाँ हम लोग का, हम लोग जब छोटा छोटा थे 15-16 साल की उम्र में नदी को पार करते थे, नदी को पार इसी जगह में हम लोग पिकनिक करते थे, तो सोचिए नदी का पानी में हम लोग मशीन बॉक्स बैटरी ये सब कैसे ले जाते थे, तो माथा में रख के हम लोग ग्रुप बना के जाते थे, इसी पानी में हम लोग जाते थे कि पानी कितना गहरा है आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए पानी के अंदर का नज़ारा देख रहे हैं, व्यू बहुत ही सुंदर है, शीशा का सारा पानी चमक रहा है, अंदर मछली तो है नहीं, दिखाते हैं देखिए। इसी पानी में हम लोग जाते थे नदी का उस पार, और उस पर जाके देखिए उस सब जगह देखा देख रहे हैं, सामने में जो टावर ओवर है उधर में उस सब जगह में जाते थे पिकनिक करते थे, और कोई लड़का मशीन को माथा में ले लेता रहा, कोई बॉक्स को दूजन मिल के कंधा में ले लिया, कोई बैटरी ले लिया, इस तरह लेके हम लोग नदी को पार करते थे। मिनिमम हम लोग का 6 फीट पानी 7 फीट पानी रहता था। ये देखिए बहुत ही लंबा है, मिनिमम 1000 मीटर का दूरी पर है पुल बांधा हुआ है। ये नदी जब बारिश होगा तो इस समय इसका जो पानी है वो देखिए पिलर जब देख रहे हैं सामने वाला पिलर, उसका जो सफ़ेद वाला है उसका ऊपर चला जाता है पानी। चल
चलते हैं आगे। दो तो पुल है, ये वाला भी है और वो वाला, तो उसका राम सेतु नहीं बना हुआ है क्योंकि वो बहुत बड़ा था, तो वहाँ पर राम सेतु बनाने के लिए परमिशन नहीं मिला। ये उसको परमिशन मिल गया, ऊपर से हलवान जी आए थे साथ में, उन्होंने भी काम किया, हम लोग भी काम किए थे इसी में, बहुत ही कष्ट हुआ, वो भी ठंडा के समय में पानी में उतर उतर के काम किए थे। मेरे साथ एक लड़का था, उसको तबीयत ख़राब भी हो गया था, 4-5 दिन वो उस तरह था, फिर भी पुल तैयार हो गया। ये पैदल पुल जाने का है, गाड़ी भी सुने जाएगा। मुँह धो रहा है तो मुँह में पूरा कीड़ा चला गया है, आँखों में भी कीड़ा चला गया, मेरा भी बीच कीड़ा उड़ा पूरा चला गया है, दिखा सकते हैं आपको, रुकिए दिखाते हैं, ये देख सकते हैं पूरा छोटा छोटा सा कीड़ा है, पूरा शरीर में लग गया है, एक दिन का इसका जीवन रहता है कीड़ा में। तो देखिए आइए नदी देखिए, बहुत ही सुंदर सा शाम का समय में तो बहुत ही सुंदर लगता है, पानी तो शीशा का वापी चमक रहा है, ये देखिए पानी है उस शीशा का वापी चमकता है, ये देखिए ये जो जितना ऊपर है उससे उतना ही नीचे ये गहरा है, इसका अंदर बहुत ही गहरा है। किसी दिन इसका परमिशन मिलेगा तो ऊपर में जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, ये परमिशन है नहीं, परमिशन मिल जाएगा। वो वाला जो देख रहे हैं वो वाला घर जो है दिखा रहे आपको थोड़ा सा जूम करके, और देखिए वो भी फिल्टर प्लांट है, वो बहुत ही बड़ा है, ये जो हम लोग का है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन उसका देखिए ब्रिज, ये देखिए वो इतने बड़ा है, लेकिन उसका जो पुल बना हुआ है नहीं बना हुआ है। सफा है, बारिश समय में देखिए पानी बहुत ही गंदा हो जाता है, तो चलते हैं घर की ओर। देखिए शाम हो गया है, डूब रहा सूरज, ये पुल है, ये पुल है। तो फ्रेंड आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अब वीडियो पूरा देखिएगा। ये देखिए हम लोग घर की ओर चलते हैं, घर की ओर काम होने वाला है, बहुत ही कीड़ा परेशान कर रहा था। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, राम सेतु का पुल कमेंट में बताइएगा, और आप लोग कमेंट में करिएगा कहाँ का जो प्लेस है बताइएगा, तो हम वहाँ पर जाएंगे और चलते हैं। बहुत ही कीड़ा परेशान किया, बहुत ही शरीर में पूरा लग गया है, पूरा आँख में भी भर गया, मुँह में भी भर गया है, चूल्हे में देखिए चूल्हे में भी भर गया, सादा सादा होता है। आप लोग कभी भी अगर नदी के सामने आइएगा शाम में तो आप लोग मालूम चल जाएगा कितना कीड़ा होता है। हम लोग चलते हैं घर की ओर, बहुत परेशान हो रहे हैं।